पार्ले जी बिस्कुट हमारे देश में उस कठिन वक्त से मौजूद है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर पार्ले जी का स्वाद चखा जरूर है। पार्ले जी सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, आज दुनिया के कई देशों में खाया जाता है और पसंद भी किया जाता है। पार्ले जी पहला ऐसा बिस्कुट रहा जो आम भारतीयों के लिए बना और भारत में ही बना। पार्ले जी बिस्कुट की शुरुआत होने से पहले पार्ले कंपनी की नींव उस दौरान रखी गई जब अंग्रेजों के दबदबे के कारण कैंडी हो या बिस्कुट, विदेशी चीजें भारतीय बाजार में बेची जाती थी जिनकी कीमत इतनी ज्यादा होती थी जिससे सिर्फ अमीर ही उनका स्वाद ले पाते थे। उस समय के दौरान ही भारतीय बाजार में कैंडी लाई गई जो भी काफी महंगी थी। ये बात मोहनलाल दयाल को बहुत बुरी लगी। वह स्वदेशी आंदोलन से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने तय कर लिया कि वह भारतीयों के लिए भारत में बनी कैंडी लेकर आएंगे ताकि वह भी कैंडी का स्वाद ले सके। जिसके बाद वह जर्मनी चले गए जहां उन्होंने कैंडी बनाना सीखा और 60,000 रुपए में कैंडी बनाने की मशीन खरीदने के बाद वह उसे अपने साथ भारत लेकर आए। जिसके बाद मोहनलाल दयाल जी ने विले पार्ला में एक बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी और अपने पहले प्रोडक्ट की शुरुआत करी साल 1929 में, जो कि थी एक ऑरेंज कैंडी जिसे हर भारतीय खरीद सकता था और एंजॉय कर सकता था। कंपनी की शुरुआत में सिर्फ 12 ही कर्मचारी थे जो कि मोहनलाल जी के परिवार के ही सदस्य थे। सबने कंपनी में अपना खूब योगदान दिया और उस बंद पड़ी फैक्ट्री को एक नया रूपांतरण दिया। हर कोई अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त था कि किसी ने यह भी नहीं सोचा कि इसका क्या नाम रखा जाए। जब कोई नाम समझ में नहीं आया तब अंत में यह तय हुआ कि कंपनी का नाम उसी जगह के नाम पर रखा जाए जहां उसकी शुरुआत हुई। कंपनी विले पार्ला में खोली गई जिसके कारण कंपनी का नाम पार्ले रखा गया। अंग्रेज लोग अपनी शाम की चाय के साथ बिस्कुट खाना पसंद करते थे जो भी सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। जिसके बाद मोहनलाल जी ने सोचा कैंडी की तरह ही बिस्कुट भी भारत में ही बनाए जाए ताकि कैंडी की तरह ही वह भी हर भारतीय तक पहुंच सके। जिसके बाद साल 1939 में मोहनलाल जी ने शुरुआत करी पार्ले ग्लूको की। ग्लूको बिस्कुट का दाम इतना कम था कि आम भारतीय भी इसे खरीद सकते थे। देखते ही देखते ग्लूको बिस्कुट खूब प्रचलन में आ गया। आम भारतीयों के साथ साथ अंग्रेज भी अपनी चाय के साथ पार्ले ग्लूको का स्वाद चखना पसंद करते थे। ग्लूको बिस्कुट इतना बड़ा नाम बन गया कि विदेशी बिस्कुट के ब्रांड पीछे होने लगे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्लूको एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, लेकिन युद्ध खत्म होते ही कंपनी को ग्लूको बिस्कुट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। ऐसा इसलिए नहीं कि कंपनी को युद्ध के बाद घाटा होना शुरू हो गया था या कंपनी के पास पर्याप्त फंड नहीं था। ऐसा हुआ देश में गेहूं की कमी के कारण। साल 1947 में देश के आजाद होने के बाद और विभाजन के बाद तो ये परेशानी और भी बढ़ गई। कंपनी को इतना कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था कि वह कंपनी की प्रोडक्शन को जारी रख सके। प्रोडक्शन बंद होने के कुछ हफ्ते बाद ही लोगों को ग्लूको बिस्कुट की कमी महसूस होने लगी। कंपनी को भी इसका एहसास होना शुरू हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने वादा करा कि जब सब ठीक हो जाएगा वह दोबारा से बिस्कुट की प्रोडक्शन चालू कर देंगे। वह साल 1982 था जब कंपनी ने अपने बिस्कुट का नाम पार्ले ग्लूको से बदलकर पार्ले जी कर दिया। कंपनी को ये मजबूरी में करना पड़ा। ग्लूको शब्द ग्लूको से बना था जिस पर कंपनी का कोई कॉपीराइट नहीं था, जिसके कारण ग्लूकोज का कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। जिसके बाद मार्केट में कई सारे बिस्कुट आ गए जो ग्लूको या ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके कारण कंपनी की सेल में काफी अंतर आने लगा था। इसलिए कंपनी को बिस्कुट का नाम बदलकर पार्ले जी करना पड़ा, जिसे बाद में कंपनी ने जी फॉर जीनियस के रूप में मार्केट करना शुरू करा। साल 2003 में पार्ले जी को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट घोषित किया गया था। वहीं साल 2012 में
हुई 5,000 करोड़ पार्ले जी बिस्कुट की सेल ने पार्ले जी को भारत का पहला ऐसा FMCG ब्रांड बना दिया जिसने ये आंकड़ा छुआ था। कंपनी हर साल 14,000 से भी ज्यादा पार्ले जी बिस्कुट का प्रोडक्शन करती है जो 60 लाख से भी ज्यादा स्टोर्स में बेचे जाते हैं बिकने के लिए, जिसके कारण कंपनी हर साल करीब $16 मिलियन का रेवेन्यू कमा पाती है। मार्केट में आज इतने बदलाव हो जाने के कारण भी पार्ले जी आज भी उसी तरह से अपने कामों को अंजाम दे रहा है जिस तरह से पहले देता आया था। पार्ले जी कल भी हिट था और आज भी हिट है, जो ये दर्शाता है चाहे वह कोई भी वर्ग क्यों ना हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक, जवानों से लेकर बुजुर्गों तक, सबकी जुबान पर पार्ले जी का स्वाद है जिसे वह हटाना नहीं चाहते। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।